रेप इन इंडिया वाले बयान पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान को लेकर राहुल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस बयान को लेकर दोनों सदनों में बीजेपी महिला सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया था। वहीं राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार किया था। राहुल गांधी ने झारखंड के गोड्डा में चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया, लेकिन आजकल आप जहां कहीं भी देखते हैं वो रेप इन इंडिया है, जिसके बाद राहुल गांधी विवादों में घिर गए थे और अब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस यहां पर दिया गया है। राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है, तो राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने ये जवाब मांगा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते हुए राहुल गांधी रेप इन इंडिया वाले बयान पर चुनाव आयोग की तरफ से ये जवाब मांगा गया है। स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, तो चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी से जवाब मांगा गया, क्योंकि रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर जहां संसद में महिला सांसदों ने नाराजगी जाहिर की थी, राहुल से माफी की मांग की थी, तो वहीं राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन अब इस बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। तो रेप इन इंडिया वाले बयान पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है, और कहीं ना कहीं इस बयान पर अब राहुल गांधी की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।